ओके, मुझे रिव्यू लेने की जरूरत नहीं है बच्चों. एज पर द फर्स्ट फिजियोलॉजी दैट वी स्टडीड, दैट वाज ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. कंप्लीट एक बार रिव्यू ले लूं मैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में. सबसे पहले मैंने आपको बताया 5 पॉइंट्स थे जिस पर हम लोगों ने कोई भी फिजियोलॉजी पढ़ी. व्हाट वाज दोस 5 पॉइंट्स? इवोल्यूशनरी ट्रेंड, एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. कौन? दिनेश बोला. कौन बोला? आदित्य पाटिल सर. आदित्य पाटिल, बहुत बढ़िया. तो सबसे पहले हमने देखा उसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड. बच्चों, इवोल्यूशनरी ट्रेंड में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म आपको बताए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म मैंने ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, पैरासाइट और ये बहुत सारी बातें हम लोगों ने उधर से डिस्कस. परफेक्ट. उसके बाद मैंने सबको एग्जाम्पल बताया और एक नया वर्ड बताया था वहां, दैट वॉज कॉप्रोफेगस. कॉप्रोफेगस, व्हाट वाज कॉप्रोफेगस? इट्स ओन एक्सक्रीट. एनिमल इट्स ओन एक्सक्रीट. परफेक्ट. जो अपना ओन का फीकल मटेरियल खाता है, दैट वाज कॉप्रोफेगस. उसका एग्जांपल क्या बताया था? रैबिट. 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 परफेक्ट. उसके बाद बच्चों डिस्कस किया था हमने द एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने देखी. वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोगों ने देखी थी, That elementary canal consists of right from buccal cavity. Buccal cavity के बाद मैं sequence बोलता हूँ. मेरे साथ कोई बोलेगा sequence? Anyone? Anyone who can tell me the sequence? अजान कह रहे हैं. Very good. अजान, we started बेटा हम लोगों ने buccal cavity. Buccal cavity के बाद pharynx. Pharynx के बाद esophagus, मतलब gullet. Gullet के बाद esophagus. Esophagus के बाद cardiac sphincter. कार्डियक स्फिंक्टर के बाद स्टमक के चार पार्ट, कार्डियक, बॉडी, फंडस, पाइलोरिक, देन पाइलोरिक स्फिंक्टर. और पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद फिर हम लोगों ने देखा दैट इज ड्यूडेनम, सी शेप. ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम. ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. इलियम जो खुलता था दैट इज थ्रू इलियोसिकल वाल्व. इलियोसिकल वाल्व खुलता था सीकम के पास, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. एंड देन वहां से फिर हम लोग असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन. डिसेंडिंग कोलोन का ही एक सिग्मा पार्ट था, दैट वाज सिग्मोइड कोलोन और पेल्विक कोलोन. दैट वाज ओपन थ्रू रेक्टम. रेक्टम खुलता था एनस में, एनस के दो स्फिंक्टर. दैट वाज इंटरनल इनवॉलेंट्री, एक्सटर्नल वॉलेंट्री. परफेक्ट है यहां तक? यस सर. परफेक्ट श्रावणी मैडम. उसके बाद बेटा हमने देखा बकल कैविटी. बकल कैविटी में टूथ, टंग, पैलेट, ये तीन चीजें देखी. टूथ का डेंटल फॉर्मूला छोटे बच्चों का मैं बात करूं, एनीवन? छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला 2102 into 2. उसके बाद आप लोगों का 2122. उसके बाद बच्चों का 2123. Am I right? Yes sir. Yes sir. उसके बाद मैंने आपको वो तो सबको पता है, मोनोफायडोन, डाइफायडोन, बाइकस्पेट, ट्राइकस्पेट, सबको पता है. मोनोकस्पेट है ना, और इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार्स. हम 20 टीथ के लिए होते हैं डाइफायडोन, 12 टीथ के लिए होते हैं मोनोफायडोन. अग्री? यस सर. यस सर. उसके बाद गीतांजलि मैडम हम लोगों ने फिर पढ़ा पैलेट. पैलेट में अपर वाले में रुजेस थे, लोअर वाला सॉफ्ट था. टंग पड़ा, टंग पे चार पेपिलीज थी. टंग पे जो चार पेपिलीज थी उसमें हमें एक पेपिली नहीं होती, फोलिएट पेपिली हमें नहीं होती, वो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज में खत्म हो जाती है. तो तीन पेपिलीज बचती, सर्कमवेलेट, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म. इन तीनों में से किस पर टेस्ट बड नहीं होती? फिलीफॉर्म. टेस्ट बड्स नहीं होती. जो टेस्ट बड्स होती है फिर वो स्वीट, सॉल्ट, फिर अगेन सार एंड बिटर. उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर फैरिंग्स के बाद पढ़ा था. यहाँ पर इसोफेगस. इसोफेगस में कुछ भी पार्ट नहीं था. साथ में चलता हूँ. यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड के तीन वो बताई थी ग्लैंड्स मैंने, लिंगुअल, पैरोटिड ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैक्सिलर. परफेक्ट. उसके बाद फिर मैंने आपको उसकी तीनों की डक्ट्स भी बताई थी. पास में वो लड़का बैठा, याद आया? स्टेंसन्स डक, बार्थोलिन डक एंड वॉटसन. उसके बाद अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं इसोफेगस. इसमें पेरिस्टालसिस होता है. पेरिस्टालसिस में दो टाइप की मूवमेंट, एक हॉरिजॉन्टल चलेगी, एक वर्टिकल चलेगी, एक हॉरिजॉन्टल चलेगी.
परफेक्ट, जिसमें एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा, एक सर्कुलर मसल होगा, और आउटर लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर इनर, उसको ध्यान रखने के लिए वर्ड मैंने बताया लोसाई, हमारा एट। यस सर, यस सर। उसके बाद जैदी साहब, अयान भाई, अनुराधा मैडम, दिनेश टोडरवाल, दिनेश, एकता, ग्लोरी, हर्षवर्धन। मैंने फिर उसके बाद आपको बताया कार्डिक स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर के बाद स्टमक बताया, स्टमक में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया फंडस, और फंडस में मैंने आपको बताया फिर चार टाइप की सेल्स, पैराइटल सेल्स, पेप्टिक सेल्स, आर्जेंटाफिल सेल्स और म्यूकस सेल्स। याद आया? यस सर, यस सर। इन सब में, इन सब में मेजर सीक्रेशन एचसीएल का मैंने बताया था। हां यस, बोलिए सर। इज पैराइटल सेल्स एंड ऑक्सेंटिक सेल्स सेम? यस यस, पैराइटल सेल्स आर ओनली नोन एज ऑक्सेंटिक सेल्स, जो एचसीएल का सीक्रेशन करती हैं, कैजल इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करती हैं, विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करने वाला फैक्टर होता है। इज इट? यस सर। परफेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर मैंने आपको स्टमक के बाद उसमें गैस्ट्रिन, पोस्टीरियर पार्ट में गैस्ट्रिन हार्मोन का जी सेल्स बताया। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं इंटेस्टाइन, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम में माइक्रोविलाइज बहुत सारे मैंने बताया, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कोलोन में वाटर का एब्जॉर्प्शन। ग्लैंड्स की यदि बात करते हैं तो ड्यूडेनम में दो टाइप का सीक्रेशन और आता है, लीवर और पैंक्रियास। पैंक्रियास से जो डक्ट डायरेक्ट आती है उसे डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है उसे डक्ट ऑफ वारसंग कहते हैं। उधर से राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आती है, जो कि सिस्टिक डक्ट से मिलती है, वो कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिलकर बनती है कॉमन बाइल डक्ट, और वो जो कॉमन बाइल डक्ट बनती है वो खुलती है, वो मिलती है पैंक्रियाटिक डक्ट से, यानी डक्ट ऑफ वारसंग से, उस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। इज इट? स्फिंक्टर ऑफ? यस यस सर। वो छोटा सा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, वो छोटा सा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अनुराधा मैडम, आर यू देयर? यस सर। आवाज नहीं आ रही अनुराधा, सो रहे हैं क्या? यस सर, यस सर। परी, प्रतीक्षा, मयूर, पूरव, रुद्र, साक्षी, समृद्धि, संकेत, प्रवीण, सुन रहे हैं सब लोग? Yes, sir. मैं इसलिए क्विक रिव्यू कर रहा हूँ बच्चों, ताकि उसके बाद फिर आप मुझसे डाउट पूछ सको। चलिए, तो मैंने वहां पर बताया स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, जो बाइल और पैंक्रियाटिक को मैच करेगा, फिर छोटा सा हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, वो जहाँ खुलेगा वो होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। वहां पर ऑलमोस्ट सारा ही डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ट्रू डाइजेशन की साइट यदि कोई पूछे तो ट्रू डाइजेशन का साइट ही स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फिर वहां से सारा डाइजेस्टेड मटेरियल एब्जॉर्ब होता है, वहां से एब्जॉर्ब होता है माइक्रोविलाई से, लेकिन एब्जॉर्प्शन की भी अपनी अलग कहानी है। डाइटरी फैट होगा तो सीधे ब्लड में नहीं जाएगा, राइट? यस सर, यस सर। किसमें जाएगा? लैक्टियल्स। लैक्टियल्स कौन बोला? कांचन। कांचन, बहुत बढ़िया। तो ये कांचन मतलब लैक्टियल्स में जाएगा, और लैक्टियल से वहां से एब्जॉर्ब होकर फिर वो ब्लड में जाएगा। परफेक्ट। जो काइलोमाइक्रॉन बन के जाएगा, am I right? Yes, sir. परफेक्ट। अब वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन सारा मटेरियल उड़ गया, जो बचा हुआ वेस्ट है वो कोलोन में आ गया, वहां से वाटर निकाल लिया गया, बचा हुआ फीसेस सारा रेक्टम में आ गया, और अर्ली मॉर्निंग फिर हमने उसको इजेशन, इजेस्ट आउट कर दिया, और उस प्रोसेस को हमने कहा इजेशन, जो कि कैटाबॉलिक वेस्ट को निकालती है। परफेक्ट। यस सर। जी मधुरा, प्रतीक्षा, शीतल, अंडरस्टूड? परफेक्ट। अभी मुझे किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि सर तनुजा, वैष्णवी, अंजलि, गिरीश, किसने वेदांत, मुझे मैसेज किया था सूरज, सुहानी, किसी ने तो भी श्लोक, कि सर वो लास्ट लेक्चर अपलोड कर दीजिए वीडियो। बट बच्चों, लास्ट लेक्चर जो था वो केवल थोड़ा ही पार्ट था, रेगुलेशन और आई थिंक डिजीजेस, डिसऑर्डर्स, और वो मैंने एक नए सेंटर से लिया था, जो नासिक रोड पे नया सेंटर खुला है अपना, वहां से लिया था, तो वो लैपटॉप से कॉपी अभी नहीं हो पाया है, तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं था उसमें, बट स्टिल मैं जाऊंगा कल या परसों में, तो डेफिनेटली उसको वहां करवा दूंगा, या वहां जो लड़का होगा वो उसको अपलोड करवा देगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट, बट इट विल टेक सम टाइम डॉक्टर्स। ओके, तो उसके बाद ये सारी कहानी हो गई थी दोस्तों डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की, उसके बाद हमने उसका डिसऑर्डर्स भी देख लिया, तो रेगुलेशन भी देख लिया। रेगुलेशन में मैंने दो टाइप के देखे थे, हार्मोनल देखा था और एक न्यूरल देखा था। तो हार्मोनल में बहुत सारे हार्मोन्स पड़े थे, सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन, एंटेरोगेस्ट्रोन, am I right?
यस सर। सबसे बढ़िया फंडा मैंने बताया था कि वो जहां से निकल रहा है वो सोर्स हो जाएगा, जहां काम कर रहा है वहां काम टारगेट पर पहुंच कर करेगा, और स्टिमुलेशन उसको कहां से मिलेगा, तो जब जैसे से वो खाना आगे बढ़ते जाएगा वही उसके लिए स्टिमुलेशन का काम करेगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो डॉक्टर मुआडीकर, उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे बढ़े थे और मैंने डिजीजेस बताई थी, उसमें बहुत ज्यादा नहीं था, वॉमिटिंग था, नौशिया था, और आई थिंक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था, ऑर्डिनरी जॉन्डिस था, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, कॉन्स्टिपेशन था, डायरिया था, ये सब चीजें हमने पढ़ी। परफेक्ट। नाउ यू आर स्विचिंग टू द डिस्कशन पार्ट। आई होप यू हैव शेयर्ड द डाउट्स ऑन माय डीसी नंबर। आई एक्सपेक्ट मच मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। Only three people send me the doubts, I think. No one has sent. कोई बात नहीं, देखते हैं। Whose question is this? Sir Junaid. Junaid. Which enzyme digests peptides and release amino acid? Peptidases. Answer third नहीं है क्या? No sir. What is given? Fourth option. Amino peptidases. अच्छा, तो जो पेप्टाइड को डाइजेस्ट करता है वो पेप्टिडेजेस, और जो अमीनो एसिड को रिलीज कर देता है वो अमीनो पेप्टिडेज। ओके फाइन, वी विल करेक्ट इट। सॉरी, पेप्टाइड को डाइजेस्ट करने वाला पेप्टिडेज, और यदि उसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि रिलीज अमीनो एसिड, देन गो फॉर अमीनो पेप्टिडेज। ओके जुनैद? यस। यदि रिलीज ऑफ अमीनो एसिड नहीं लिखा है तो गो फॉर पेप्टिडेज ओनली। ओके प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर, पैंक्रियास, किडनी, इंटेस्टाइन। आंसर वन, लीवर इज नॉट गिवन। जुनैद? जस्ट अ मिनट सर, लेट Yes sir, answer is liver. Okay, what is given? Liver. जितने भी बच्चे प्रोटीन होते हैं ये लीवर में बनते हैं, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो है ये लीवर में बनते हैं। ओके मैच द कॉलम। क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहेन, पैंक्रियाज, एड्रिनल, गैस्ट्रिक। ओके, क्या करना है? करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक भाई, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहेन, इंटेस्टाइन, बहुत बढ़िया, यानी मेरे हिसाब से ए का आर। पैंक्रियाज लूप ऑफ ड्यूडेनम में रहता है, बी का पी, तो देख लो ए का आर बी का पी कहां बैठ रहा है, पहला और दूसरा। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड किडनी, सी का एस। आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, प्लीज चेक। यस सर। व्हाट इज लूप ऑफ ड्यूओडेनम? अरे लूप ऑफ ड्यूओडेनम मतलब बेटा ड्यूओडेनम की जो फोल्ड है, सी शेप जो फोल्ड है, उसी लूप के अंदर तो पैंक्रियास रहता है ना। सुना? यस सर। और वैसे भी बेटा ये नहीं बना तो मैच द कॉलम तो सबसे इजी टास्क होता है। क्यों इजी टास्क होता है? क्योंकि आपको एक दो भी बन गए तो आप ऑप्शंस को टिक करने में कैपेबल हो जाते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टमक ऑफ मैमल्स? पैनेट सेल, डाइटर सेल, ऑक्सेंटिक सेल एंड कुफर सेल्स। स्टमक की बात कर रहा है तो कुफर सेल तो नहीं होना चाहिए। ऑक्सेंटिक सेल पेराइटल सेल हो सकती है, बट यदि पेराइटल सेल से एचसीएल निकलता रहा तो वो डाइजेस्ट कर जाएगा। तो स्टमक की लाइनिंग की जहां तक बात है, आई एम बिट कंफ्यूज, बट पैनेट सेल या डाइटर सेल, बिकॉज ऑक्सेंटिक सेल से एचसीएल निकलता है और वो एकदम से लाइनिंग में तो नहीं होगा, वो अंदर की तरफ होगा, वो अंदर की तरफ होना चाहिए। तो बचता है पैनेट सेल एंड डाइटर सेल्स। आई थिंक डाइटर सेल, आई एम नॉट श्योर वेरी मच। जुनैद, व्हाट इज गिवन? Oxyntic cells. Answer is three.
Yes, sir. Please check once again. Yes, sir. It is oxyntic cells. But oxyntic cell lining बनाएंगे तो उसके ऊपर तो बेटा एक और lining होती है. तो something is wrong with this. क्योंकि oxyntic cell बाहर की lining नहीं बना सकती. ऑक्सेंटिक सेल बाहर की लाइनिंग नहीं बना सकती. ऑक्सेंटिक सेल के ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती, क्योंकि यदि ये ऑक्सेंटिक सेल लेयर बनाती रही तो एचसीएल तो पूरा सिस्टम खराब कर देगा, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है वो. अंडरस्टूड? तो जुनैद मेरे हिसाब से, यस मेरे हिसाब से, लेट मी चेक. इस क्वेश्चन को मेरे पर्सनल नंबर पर भेज दीजिएगा जुनैद, आई चेक इट. ओके, फाइन. इन द एम्प्टी स्टमक म्यूकोसल फोल्ड्स अपीयर. इन द एम्प्टी स्टमक mucosal folds appear. They are called villi, cristae, rugae and none. Empty stomach mein fold, mucosal layer ki folds. Villi wahan nahi hoti, villi intestine mein hoti hai. Cristae keh sakte ho, lekin wo mitochondria mein hoti hai. Rugae's palate mein hota hai. In palate hota hai. So I think it should be none fir. Matlab, I'm not sure. Answer should be none. It's Rugae, sir. Rugae, sir. Rugae's palate mein hote hain, not in stomach. Rugae's palate mein hote hain, not in stomach. Okay? But answer is given third, sir. That only I was confused that Rugae's are present in palate. Yes, no problem. ये एज इट इज दिस इमेज शुड बी सेंड टू माय पर्सनल नंबर, फिर मैं उसको देखूं. यस, ठीक है, ओके. मेरे हिसाब से ऊपर वाले का होना चाहिए पैनेथिया डाइटर और नीचे वाले का होना चाहिए नन. फिर भी मुझे भेज दो, आई विल चेक इट. सर, दैट पैनेथ सेल्स एंड डाइटर सेल्स बोथ आर प्रेजेंट इन स्टमक. यस, एसेंशियली द वर्ड केमिकल डाइजेशन मींस बर्निंग ऑफ फूड, नो. हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, मे बी. ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, वो मैकेनिकल हुआ. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वो रेस्पिरेशन हुआ. तो केमिकल डाइजेशन की यदि बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, क्योंकि बर्निंग और ऑक्सीडेशन ये होता है रेस्पिरेशन, और ब्रेकिंग डाउन होता है मैकेनिकल डाइजेशन. तो केमिकल मतलब हाइड्रोलाइसिस. आंसर शुड बी टू, आई थिंक. व्हाट इज गिवन? टू, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड. देखो बच्चों, जब डीसी होता है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, चीज को समझिए. क्योंकि आपका पहला साल है, मतलब फर्स्ट ईयर है आपका. जब भी डिस्कशन होता है तो अपने को रेडी रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या दिया गया है, सो दैट सर जब डिस्कस करें तो हम उसे बता सकें. प्लस डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया. डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आपने क्या लगाया वो मुझे पता लगना चाहिए, कि आपने वो ऑप्शन क्यों लगाया, सो दैट मैं आपको बता पाऊं कि आपकी सोच या अप्रोच उस क्वेश्चन के लिए गलत हो. उसको कहते हैं डीसी. यहाँ डिस्कशन तो क्या होता है, आप एक सवाल पूछते हो, मैं उसका आंसर बता देता हूँ. तो ऐसे समय एनसीईआरटी अपने साथ होनी चाहिए. अब जैसे सर ने बताया बर्निंग ऑफ फूड, तो भैया सर ने इसको क्या बताया, रेस्पिरेशन. तो फट से जहां पर भी डाइजेशन चैप्टर है वहां लिख दिया बर्निंग ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये रेस्पिरेशन है. ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मैकेनिकल डाइजेशन है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड केमिकल डाइजेशन. दैट मीन्स अगली बार तो क्वेश्चन आएगा मैकेनिकल डाइजेशन, आप फिर पूछोगे क्योंकि आपने लिखा नहीं. तो डीसी का मतलब होता है अपना पेन पेपर रेडी रखें, एनसीईआरटी रेडी रखें. एनसीईआरटी कैसे, जिस पेज से रिलेटेड वो सवाल है उस पेज पे नोट कर लिया कि केमिकल डाइजेशन मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, और रेस्पिरेशन मतलब बर्निंग ऑफ फूड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जुनैद अग्री? यस सर. परफेक्ट, चलिए नेक्स्ट इज एनी मोर. जुनैद आपके हो गए? यस सर, दैट्स इट. परफेक्ट. ओके, पेयर्स पैचेस आर फाउंड इन द ईलियम इन फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. आंसर शुड बी मैमल्स, अपने इसमें पाए जाते हैं पेयर्स पैचेस. व्हाट इज गिवन? यस सर, आंसर इज मैमल. ओके, नो प्रॉब्लम. सर, व्हाट आर पेयर्स पैचेस? पेयर्स पैचेस आर द लिम्फेटिक ऑर्गन्स. पेयर्स पैचेस आर द लिम्फेटिक ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन, मैंने बताया था ना आपको, हर जगह पर, जगह जगह पर पुलिस चौकी होती है,
उसमें से इंटेस्टाइन में जो पार्ट होता है दैट इज पेयर्स पैचेस. अंडरस्टूड? यस सर. परफेक्ट. ओके, द नेक्स्ट वन इज पेयर्स पैचेस कंटेन व्हाट? म्यूकस, सीबम, लिम्फोसाइट. अभी अब आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट. व्हाट इज गिवन? यस सर, सी इज द आंसर. परफेक्ट परफेक्ट. जाइमोजन सेल्स और चीफ सेल सीक्रेट. अरे ये तो मैंने लिखाया था, चीफ सेल पेप्टिक सेल्स लिखाया था मैंने, लिखाया था मैंने. आंसर शुड बी थ्री, पेप्सिनोजन, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है पैराइटल सेल से, म्यूकस निकलता है म्यूकस नेक सेल से, और ट्रिप्सिनोजन वहां निकलता ही नहीं. तो आंसर शुड बी थ्री आई थिंक. हूज क्वेश्चन इज दिस? हर्षवर्धन. हर्षवर्धन ना? यस सर. तो डॉक्टर मोडिकर आंसर आई थिंक शुड बी थ्री, बिकॉज बेटा HCl निकलता है कौन सी सेल से? पैराइटल. पैराइटल. म्यूकस निकलता है किससे? सलाइवरी ग्लैंड. अरे म्यूकस निकलता है गॉबलेट. गॉबलेट गॉबलेट. और ट्रिप्सिनोजन स्टमक में निकलता ही नहीं, तो सवाल ही खत्म हो गया उसका. बचा आंसर पेप्सिनोजन. ओके, मैच लिस्ट विद वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके भाई ठीक है. सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज मतलब काम करेगा स्टार्च पे. तो ए का हुआ आर. बाइल सॉल्ट. बाइल सॉल्ट करेगा काम लिपिड पे. रेनिन मिल्क का प्रोटीन. तो सी का क्यू. एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें ए का आर, बी का टी और सी का क्यू, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर फोर. व्हाट इज गिवन? यस सर, ऑप्शन नंबर फोर. हूज क्वेश्चन इज दिस? सर श्रावणी ठाकरे. कौन? सानिका. कौन बोला? श्रावणी ठाकरे. श्रावणी. श्रावणी मैडम ऑप्शन इज गिवन फोर. यस सर. परफेक्ट बेटा, सिंपल सा है. मैच द कॉलम तो बड़े इजी होते हैं, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज से दिया आपने स्टार्च लगा दिया, ए का आर हो गया, बाइल सॉल्ट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर दिया, तो बस दो ऑप्शन से ही क्लियर हो गया. ए का आर और बी का टी केवल और केवल एक ऑप्शन में दिया था, दैट वाज ऑप्शन नंबर फोर. अग्री? यस सर. सो प्लीज एक्सप्लेन स्टिप्स. स्टिप्सिंस जो होता है बच्चों, स्टिप्सिंस कोई अलग मटेरियल नहीं है. स्टिप्सिन जो एक टाइप का लिपिड डाइजेस्टिंग सब्सटेंस है, lipid digesting enzyme I should say, that is trypsins. Okay, the main function of enterokinase is conversion of casein into paracasein. Enterokinase matlab nikal raha hai intestine. Logically socha kare thoda sa. Shravani madam, aapko pucha gaya enterokinase barabar? Yes sir. एंटेरोकाइनेस कहां से निकलता है? स्टमक के इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन. एंटेरो वर्ड लगा ना, एंटेरो वर्ड मतलब इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन से निकलने वाले का मेन फंक्शन स्टमक में क्यों होगा? और पहला वाला तो स्टमक की प्रोसेस है श्रावणी, am I right? Yes, sir. तो कन्वर्जन ऑफ कैसिन इंटू पैराकैसिन हो नहीं सकता, क्योंकि वो स्टमक की बात है. पेप्सिनोजन टू पेप्सिन हो नहीं सकता, क्योंकि वो स्टमक की बात है. ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन हो सकता है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन की बात है. और चौथा भी नहीं हो सकता, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करने वाला है, तो वो अगेन स्टमक की बात. एक ही तो पॉइंट दिया था जो इंटेस्टाइन का था, एंड दैट इज पॉइंट नंबर थ्री. सो व्हाट इज गिवन? यस सर, पॉइंट नंबर थ्री. परफेक्ट. Sir, what is folds of curcumin? Whose question is this? Swami Anjali. Anjali, okay. सबसे पहले तो ये समझे folds of curcumin क्या होती है. आपकी जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल आपको मिला है क्या?
Yes, sir. अच्छा तो मॉड्यूल यदि आपको मिला है अंजलि मैडम तो फोल्ड्स ऑफ करकरिंग में क्या इसका दूसरा नाम लिखा होगा वेल्विली कॉन्वेंट्स, यदि आपने देखा होगा तो इसका नाम मिला होगा वेल्विली कॉन्वेंट्स, मिला है क्या? Yes, sir. तो ये म्यूकोसल जो फोल्ड म्यूकोसा जो होता है स्टमक का जो लेयर है म्यूकोसा लेयर उसकी फोल्ड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की फोल्ड है उसको कहते हैं करकरिंग वॉल ऑफ करकरिंग और करकरिंग फोल्ड्स जैसे वो होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने वाले कौन माइक्रोविलाई वैसे ही फोल्ड्स हैं करकरिंग ओके यस सर परफेक्ट अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन लीवर लीवर की बात कर रहा है ना कुफर सेल हो सकता है भाई कैनेलिकुलाय होता है बोन में नॉट इन लीवर ग्लिसंस कैप्सूल एंड कुफर सेल बिल्कुल हो सकता है भाई ग्लिसंस कैप्सूल एंड ल्यूकोसाइट अब देखो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 तीनों में ल्यूकोसाइट दिया गया और ल्यूकोसाइट बनता है आई थिंक ब्लड में तो ग्लिसंस कैप्सूल और कुफर सेल्स ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 Yes, sir. What is given? Third option. तो सिंपल लॉजिक था ल्यूकोसाइट ब्लड में है दूसरे में भी ल्यूकोसाइट था चौथे में भी ल्यूकोसाइट था और ग्लिसंस कैप्सूल मैंने बताया था Whose question is this? अंजलि 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 बेटा मैंने आपको लीवर जब पढ़ाया था तो उसके हेपेटिक लोब्यूल्स की पतली सी कवरिंग बताई थी याद आया Yes, sir. हेपेटिक लोब्यूल जो बाइल को सीक्रेट करते हैं बाइल को बनाते हैं उसकी उसकी सबसे फाइन थिन लेयर उसको कहते हैं ग्लिसंस कैप्सूल और कुफर सेल तो उसमें आई शुड से वही पुलिस चौकी अंडरस्टूड यस सर चलिए lysozymes are found in saliva saliva and tear both tear mitochondria I think again option number 3 because aansuon mein bhi lysozyme hota hai aur saliva mein to hota hi hota hai to isliye mujhe lagta hai saliva and tears both what is given so option number 3 yes kyunki saliva jo salivary amylase hota hai usme bhi lysozyme hota hai jo breakdown karne mein madad karta hai very simple और आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसमें भी लाइसोजाइम ओके यस सर ओके वन मोर क्वेश्चन आई रिसीव्ड बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डीन आर फाउंड इन बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डीन आर फाउंड इन अरे हूज क्वेश्चन इज दिस अनुराधा शिरसागर अनुराधा क्या ही पढ़ रही है बेटा अनुराधा बिलिरुबिन और बिलिवर्डीन मैंने लिखाया है लीवर के पिगमेंट लीवर का बाइल जूस का जो पिगमेंट है उसके दो नाम है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डीन सो ये केवल और केवल किस में हो सकता है अनुराधा इट इज इन बाइल अनुराधा मैडम ओके सर थोड़ा सा रीडिंग पहले करो बच्चों फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो Chylomicrons are. Whose question is this? Sheetal Pawar. Sheetal Pawar. Chylomicron. अभी मैंने 5 से 10 मिनट पहले आपको explain किया. Chylomicron. Chylo है मतलब intestine वाला part है. Micron मतलब छोटा part है. है ना? Undigested protein नहीं हो सकता क्योंकि ये chylomicron lacteals में जाते हैं. तो definitely ये कहीं ना कहीं fats वाली बात है. Agree? Yes sir. तो ये फैट फैट ड्रॉपलेट्स तो हैं अब वो कोटेड विद प्रोटीन है या कोटेड विद फॉस्फोलिपिड है ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है फैट ड्रॉपलेट्स तो हैं कोटेड विद प्रोटीन और कोटेड विद फॉस्फोलिपिड्स कोटेड विद प्रोटीन्स आई थिंक क्योंकि फॉस्फोलिपिड होता तो फिर तो वही बात हो गई आंसर आई थिंक इट शुड बी 3 आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गिवन यस सर थर्ड इज गिवन थर्ड इज गिवन क्योंकि शीतल मैडम कैसा है यदि आपने फैट ड्रॉपलेट्स बनाए और उसको भी आपने फॉस्फोलिपिड से कवर कर दिया तो फिर मतलब क्या बचा उसका तो बेटर है ना कि प्रोटीन से कोट करके उसको आगे भेजा जाए बराबर यस सर ओके ये भी आपका सवाल है शीतल
Yes, sir. Perfect. Okay. Match the column listed this and the secretion of given into column 2. Answer which given. Correct combination. Okay. आप ही मुझे बताइए, आपको जो समझ में आया होगा वो मुझे बताइए, जिसको समझ में आया होगा, या कोई और भी डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये तो मैं ही बोलता जा रहा हूँ. किसी को पता है बीटा सेल्स कहाँ होती हैं? एनीवन? इंसुलिन. बीटा सेल इंसुलिन, बहुत बढ़िया. कौन बोला? श्रावणी ठाकरे. श्रावणी, बहुत बढ़िया. बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, तो ए का हो गया आर. अब दो ऑप्शन कट गए, दूसरा और चौथा बचा, पहला और तीसरा. ठीक. मास्ट सेल्स किसी को पता है? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं. मास्ट सेल मेरे हिसाब से होनी चाहिए हिस्टामीन, है ना. पैनेट सेल अभी मैंने आपको बताया था, एसिनार सेल, लाइसोजाइम बी ऑप्शन. मतलब मेरे हिसाब से एसिनार तो पैंक्रियास की यदि हुई तो आइलेट्स ऑफ लिंगरहैंस होती है. तो ए का हो गया आर, डी का हो गया एस, बी का हो गया क्यू और सी का हो गया पी. आंसर थर्ड दिया है क्या? यस सर. सिंपल था ना, वही बेटा. एक हाथ तो कैसा होता है, मैच द कॉलम. मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारे नीट में मैच द कॉलम ही आ जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक दो नई भी बन रहे होंगे तो भी मैच बराबर बैठ जाता है, क्योंकि आपको दो तीन तो कंफर्म होते ही है ना. इज इट? यस सर. बस, और किसी ने मुझे नहीं भेजे हैं? और किसी ने नहीं, और किसी ने भेजे हैं क्या मुझे? एनीवन? एनीवन? Should I stop sharing? Yes, sir. Perfect. चलिए तो आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करते हैं. Excuse me, sir. Excused. Sir, are goblet cells present only in stomach or intestines? Goblet cells throughout the system होती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में goblet cells होती हैं. जहां जहां पर भी म्यूकस के सीक्रेशन की जरूरत है सभी दूर गॉबलेट सेल्स हो. ओके? यस सर. चलो तो बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ा रहा हूं, ब्रीदिंग. आपको मॉड्यूल ब्रीदिंग का मिला है कि प्लांट फिजियोलॉजी का मिला है, मुझे बताएंगे क्या? प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी. ब्रीदिंग का नहीं मिला ना? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस? नो सर. नो सर. नो सर. और सेल बायोलॉजी भावना मैडम ने पढ़ा दिया आपको, राइट? यस. यस सर. तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेल डिवीजन. उससे होगा ये कि आपकी एक यूनिट पूरी हो जाएगी. सेल ऑर्गेनल्स मैडम पढ़ा रही है, बायोमोलिक्यूल अपना हो चुका है, राइट? यस सर. यस सर. और तीसरा पार्ट अपन ने पढ़ना है सेल डिवीजन. तो हेडिंग डालते हैं सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. प्लीज पुट द हेडिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. विजिबिलिटी इज क्लियर? यस सर. थोड़ा सा पेन डाउन रखते हैं और चीजों को समझते हैं बच्चों. जैसे हमारी लाइफ का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, दैट वी स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ टू टिल डेथ, तो वो एक कंप्लीट कहलाता है लाइफ का साइकिल. वैसा ही बच्चों हर सेल का होता है, सेल के बर्थ से लेकर सेल के डेथ होने तक एक कंप्लीट साइकिल को हम कहते हैं सेल साइकिल. सेल के बर्थ से लेकर सेल की डेथ होने तक एक कंप्लीट साइकिल को हम कहते हैं सेल साइकिल. वो सेल के साइकिल में कुछ वो डिवाइड होती, उसका रिप्रोडक्शन मतलब क्या? उसका बर्थ होना मतलब क्या? उसका रिप्रोडक्शन होना, एक सेल से दो टाइप की सेल्स बनना. तो जब भी सेल साइकिल पढ़ना होता है हमें सेल डिवीजन पढ़ना ही पड़ता है, बिकॉज सेल के साइकिल में जैसे हमारी साइकिल होती है हमारे जन्म से लेकर फिर अगली जनरेशन के आने तक और फिर हमारी डेथ तक, ये कंप्लीट एक लाइफ का साइकिल होता है. वैसे ही हमारा हर सेल का अपना एक बर्थ, उसका डिवीजन यानी उस नई सेल्स का बर्थ और फिर उस पुराने वाली की डेथ, ये चलता रहता है.
दिस इज कंप्लीट नोन एज सेल साइकिल। और दो सेल साइकिल के बीच, किसी सेल साइकिल में सेल डिवीजन, दो सेल डिवीजन के बीच का टाइम कहलाता है जनरेशन टाइम। मैं वो लिखाऊंगा सब, अभी सिर्फ समझना है अपने को। परफेक्ट। तो सेल के साइकिल में, ओवरऑल सेल के साइकिल में सेल क्या करती है, पहले डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, फिर वो डिवाइड होती है, और फिर वो जो नई सेल बनी है दैट अगेन एंटर इनटू अ डिवीजन। यानी ओवरऑल यदि आप मुझसे पूछें तो कंप्लीट सेल का जो साइकिल है वो कुछ इस तरह का, जिसमें G1, S, G2 और एक फेज होती है M, और उसके बाद एक फेज होती है G0, और G1 और 0 को साथ में कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से सेल के साइकिल में अब ये G1, S और G2 क्या है, तो ओवरऑल सेल साइकिल को जब मैं डिवाइड करता हूं तो ओवरऑल सेल साइकिल दो फेजेस में डिवाइड होती है। एक होती है बच्चों इंटरफेज और एक होता है एम फेज। सेल टू सेल वेरी करेगा कि उसका सेल साइकिल कितना होगा, कोई सेल ज्यादा लंबी चलती है, कोई सेल कम समय के लिए चलती है, वो वेरी कर सकता है। जैसे हमारा भी वेरिएबल होता है, हर ऑर्गेनिज्म का वेरिएबल होता है एज, वैसे हर सेल की अपनी, और इवन लोकेशन वाइज भी वेरी कर सकता है। जो एज किसी सोमेटिक सेल की होगी, आपके स्किन की सेल की होगी, वही सेल, वही एज आपकी आरबीसी की नहीं हो सकती। आरबीसी 120 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद वो नया सेल बनता है, जबकि डब्ल्यूबीसी केवल 2 हफ्ते और प्लेटलेट केवल 7 दिन। यानी डिपेंड करता है कि सारी सेल का अपना अपना एक साइकिल होता है, अपना अपना एक एज होता है। बट वॉट एवर द सेल इज, वेर एवर इट इज लोकेटिंग, ओनली 2 stages आर देयर, 1 इज इंटरफेज एंड 1 इज एम फेज। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अभी शीतल, श्लोक, श्रावणी, सुहानी, सूरज? तो बच्चों इंटरफेज, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटरफेज यानी बीच की फेज, और एम फेज को कहते हैं अपन माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज डिवीजन वाइज उसको माइटोटिक नहीं कहा गया, माइटो मतलब होता है थ्रेड, जहां एक्चुअल थ्रेड यानी क्रोमोसोम्स डिवाइड होते रहते हैं, नई सेल्स में जाते रहते हैं, पेरेंट्स से प्रोजेनीज बनाते रहते हैं, उसको कहा गया एम फेज, जिसको मिसकंसेप्शन के साथ गलत प्रिडिक्ट किया जाता है, उसे कह दिया जाता है मल्टीप्लीकेशन फेज। बेसिकली इट इज एम फेज नोन एज माइटोटिक फेज। सो इंटरफेज क्या होता है, हर बार एक साइकिल चलता रहेगा, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज, और इंटरफेज की 3 sub-phases होती है जो मैंने वहां पर लिखी, G1, S and G2 फॉलोड बाई एम फेज, जिसकी 2 phases होती है। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड द अदर वन इज साइटोकाइनेसिस। परफेक्ट। कौन बोला? बहुत बढ़िया। कौन बोला? जुनेद। जुनेद। परफेक्ट। यानी ओवरऑल यदि आप मुझसे पूछे बच्चों तो 5 phases होगी। नंबर 1 G1, S, G2 फॉलोड बाई कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस, अगेन फॉलोड बाई इंटरफेज। यस और नो? यस। इफ समवन विल आस्क मी, खुशी मैडम, इफ समवन विल आस्क मी, तो मैं सिंपल कहूंगा G1, G1 के बाद S, S के बाद G2, G2 के बाद M, और M में होती है कैरियो, और कैरियो के बाद होगी साइटो। अग्री? यस सर। परफेक्ट। आई होप आपको, भावना मैडम ने न्यूक्लियस पढ़ा दिया कि अभी कि नहीं पढ़ाया? नो सर। मैं न्यूक्लियस भी पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो सारे डिवीजन की फेजेस हो रही हैं, ये न्यूक्लियस में होती है। मतलब जो ओवरऑल साइकिल है ये तो सेल का है, ओवरऑल साइकिल तो सेल का है, लेकिन ये जो एम फेज है, कैरियो और साइटो, तो कैरियो मतलब ही न्यूक्लियस ना, प्रोकैरियोटिक, याद आया? यूकैरियोटिक, याद आया? यस सर। प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियो मींस न्यूक्लियस, यू मींस वेल डेवलप्ड, कैरियो मींस न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप के हो गए, यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड टाइप के हो गए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। डेफिनेटली ये सारी ही प्रोसेस सेल में हो रही है, लेकिन ये तो सीधे किसका डिवीजन है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म। दिस इज न्यूक्लियर डिवीजन एंड दिस इज व्हाट?
साइटोप्लाज्मिक ड्यूक परफेक्ट। तो मैंने आपको स्टार्ट करना है बच्चों इंटरफेस से, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बातें सो wherever the interface is there, always there will be three phases, that is G1, S and G2. And wherever the M phase will be there, there will be karyokinesis followed by cytokinesis. Got my point? That means ye interface do M phase ke beech ki phase hua. M phase hai na? M phase hua to, aur naam hai iska interphase. Inter matlab kya hua bachcho? Beech ka. So do M phase ke beech ki jo phase hogi, usse kya kaha jayega? That will be interphase. Understood? Yes sir. So M phase hoga, M phase matlab har bar jab nucleus divide hoga, to nucleus divide hua fir interphase, fir divide hua fir interphase, lekin in sab ke beech mein maine ek ajeeb si phase likh diya, that is G0 phase. Kyun aisa maine likh diya? Kyunki bachcho किसी भी सेल, बहुत काम की बात बता रहा हूं, मतलब केवीपीवाई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख लीजिए, यू विल फाइंड वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर 101%। अब सवाल आता है कि बैरियर्स क्या है। भाई जब मैंने कहा कि एक सेल दैट अंडरगोज डिविजन, जब वो डिविजन करना चाह रही है, तो डेफिनेटली पहले सेल मस्ट चेक एट देयर ओन कि वेदर दे हैव सफिशियंट एनर्जी टू अंडरगो अ डिविजन। क्या हमारे पास इतना एनर्जी लेवल है कि हम डिवाइड होकर एक से दो बना सकते हैं? तो ऐसे चेक पॉइंट दिए गए। तो चेक पॉइंट को कहते हैं, पहला होता है CG1, पहला चेक पॉइंट यही लगता है, दैट इज कॉल्ड एज CG1 साइक्लिन G1, सी रिप्रेजेंट साइक्लिन, साइक्लिन चेकपॉइंट। साइक्लिन प्रोटीन होता है, वो इस बात को चेक कर लेता है कि क्या वेदर दी सेल है सफिशिएंट एनर्जी, जो वो अब एस फेज में जाना चाह रही है, सिंथेसिस फेज में जाना चाह रही है, या ग्रोथ फेज में जाना चाह रही है। जी रिप्रेजेंट ग्रोथ, एस रिप्रेजेंट सिंथेसिस, तो ग्रोथ सिंथेसिस फिर ग्रोथ और फिर डिविजन, तो क्या इसके लिए सफिशियंट एनर्जी उनके पास है? तो पहला चेक पॉइंट होता है CG1, और दूसरा जब यहां तक इंटरफेस हो गया तो दूसरा चेक पॉइंट आ जाता है यहां पर, एंड दैट इज सेकंड चेक पॉइंट। चेक पॉइंट मतलब नाका, और इसको कहते हैं CM, यानी माइटोटिक साइक्लिन। ये था साइक्लिन G1, ये था माइटोटिक साइक्लिन। तो साइक्लिन G1, सिंपल क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेक पॉइंट वर्क इन इंटरफेस, क्या आंसर होगा? साइक्लिन सी जी वन। और ये पूछा जाए कि विच वर्क्स ड्यूरिंग एम फेज, तो आंसर क्या होगा? माइटोटिक साइक्लिन। परफेक्ट, मेरी बात आ रही समझ में? साइकिल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। लोग, सूरज, तनुजा, सिद्धि बार्षिकर, बेटा समझ में आ रहा है? सिद्धि बार्षिकर आ रहा है? यस सर। इस तरीके से तो बेटा सिद्धि, कभी भी मुझे नहीं लगता कि सेल डिवीजन पढ़ा गया होगा, है ना? राइट? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, तो इंप्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। तो मैंने आपसे कहा कि ओवरऑल सेल साइकिल की दो फेज हुई, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज G1 S G2, G1 को कहते हैं ग्रोथ वन, G2 को कहते हैं ग्रोथ 2। ग्रोथ वन और ग्रोथ टू दिख नहीं रहा है शायद यहां पर, और ग्रोथ वन और ग्रोथ टू के बीच में एक फेज होती है, दैट इज व्हाट? S phase, that is synthetic phase. सभी के character लिखाऊंगा मैं तो overall आपको समझा दे रहा हूं। Overall इसलिए समझा दे रहा हूं क्योंकि 15-20 मिनट जो अपने पास बचे हैं उसमें पहले overall गणित समझ लें। कि पहले सिंपल सी बात, यदि मुझे डिवाइड होना है तो क्या लगता है आपको? मुझे पहले अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी ना, am I right? Yes sir. Okay.
तो डॉक्टर मुआडिकर पहले जीवन में द सेल विच वॉन्ट टू बी डिवाइड विल अंडरगो द ग्रोथ द सेल विल कंप्लीटली ग्रो फर्स्ट वंस इट विल ग्रो इट विल कलेक्ट इट विल स्टोर द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स नंबर ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स देन इट विल अंडरगो द डुप्लीकेशन ऑफ द कंटेंट अपना कंटेंट डबल मैं पहले अपनी ग्रोथ करूंगा तब तो मैं और दो कान और एक नाक और दो आंखें बना पाऊंगा तो उसके लिए पहले मुझे मटेरियल स्टोर तो करना पड़ेगा मुझे अपनी ग्रोथ तो करनी पड़ेगी सो उस ग्रोथ को मैंने कह दिया G1 ग्रोथ वन वंस आई ग्रोन अप इनफ वंस आई स्टोर्ड एनर्जी वंस आई स्टोर्ड दैट मॉलिक्यूल्स देन आई विल सिंथेसाइज द मटेरियल आई विल सिंथेसाइज वन मोर आई विल सिंथेसाइज टू मोर आई विल सिंथेसाइज टू मोर आई विल सिंथेसाइज टू मोर सो दैट मीन्स पहले मैंने ग्रोथ की फिर मैंने मटेरियल को सिंथेसाइज किया एंड देन फिर से मैंने उस सिंथेसाइज मटेरियल की भी ग्रोथ करी ताकि वो इतना मैच्योर हो जाए कि उसे जब मैं अलग करूं तो वो अपना इंडिपेंडेंट सेल की तरह इंडिपेंडेंट ऑर्गन की तरह एग्जिस्ट कर सके am I right? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इंटरफेस जिसमें कोई डिविजन नहीं हो रहा है यानी आप इंटरफेस में मुझसे पूछे हैं तो सिंपल यदि मैं बात करूं तो नो डिविजन ओनली ग्रोथ एंड सिंथेसिस सारा मटेरियल बनके रेडी करने वाली बात बट यहां पर क्या हो रहा है ओनली डिविजन नो ग्रोथ अंडरस्टूड क्योंकि नाम ही एम्फेसिस तो हमेशा क्या होता रहेगा पहले ग्रोथ फिर डिविजन ग्रोथ डिविजन जिसका डिविजन हो गया वो फिर से ग्रो होगी वो फिर से डिवाइड वो फिर से ग्रो वो फिर से डिवाइड ग्रोथ डिविजन चलता रहेगा And that's why the cell cycle is known as complete interphase M phase. Understood? बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Perfect. तो मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे heading डालेंगे आपने cell cycle heading डाला है इसको कुछ अभी लिखने का जरूरत मैं लिखवा रहा हूँ systematic cell cycle definition. सेल साइकिल डेफिनेशन प्लीज राइट जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ changes that occurs in a newly formed cell by which it undergoes growth, synthesis, division. To form two daughter cells. देखिए समझ में आया क्या मुझे बताइए Excuse me, sir. Yes, excused. Sir, is this definition of cell cycle applicable only for mitotic division or for meiotic division also? No. It is complete for cell cycle. The complete cell cycle ki definition hai dost. Okay? Yes. Dusra heading dalenge checkpoints.
all these above events of cell cycle, all these above events of cell cycle are genetically controlled. Are genetically controlled and has some checkpoints. दो बताए थे कौन कौन से CG1 एंड CM that is cycline G1 and mitotic cycline. नोटेड दोस्तों. यस सर. तो पहला जो चेक पॉइंट है CG1, जो फर्स्ट चेक पॉइंट है CG1, वो किस किस के बीच में आएगा? G1 एंड S lies between G1 एंड S. अंडरस्टूड? अदर वन CM किसके बीच में होगा? G2 एंड M, बिटवीन G2 एंड M. अंडरस्टूड? यस सर. परफेक्ट. और एक स्टेटमेंट मैंने लिखाया था, पहला हो गया डेफिनेशन, दूसरा हो गया चेक पॉइंट. परफेक्ट. द थर्ड वन इज, एक बताया था मैंने आपको जनरेशन टाइम की डेफिनेशन लिख ले हम लोग. द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सेल साइकल्स इज जनरेशन टाइम. अंडरस्टूड? यस सर. सर, और उसके बाद अब मैं आपको बनवा देता हूं एक, ये सब लिखने के बाद बच्चों सेल साइकिल में फिर दो फेज बना देना, इंटरफेज एम फेज. इंटरफेज में G1 G2, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. इसमें लिखना नो डिवीजन ओनली ग्रोथ, इसमें लिखना ओनली डिवीजन नो. लिख लीजिए इतना, मैं शेयर करता हूं, फिर हम लोग फाइनल एक सर्कल को पढ़ते हैं. Excuse me, sir. Yes, excuse. So here you have written that mitotic cycline is between G2 and M phase. That means interphase and M phase. And first you told that checkpoint in M phase is CM. No.
दिस इज सी जी वन, जी वन और एस के बीच में, और सेकेंड वाला जो रहेगा वो जी टू और एम के बीच में. ये एम के इधर नहीं, एम के इधर करना था मैंने, यहां पर सी एम. ओके ओके, दैट मींस बोथ द चेक पॉइंट्स आर इन इंटरफेस. नॉट इन इंटरफेस, वन इज एट द स्टार्ट ऑफ इंटरफेस एंड वन इज आफ्टर द एंड ऑफ इंटरफेस. इट इज नॉट इन इंटरफेस. ओके Noted, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I'm going to share. Complete cycle. Okay. The same structure that I'm going to share is sharing on group also. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों मेरे साथ बनाते चलिए, जहां पर मैं आपको बताऊंगा वहीं पर आपको लिखते भी चलना. एक सर्कल बनाइए बढ़िया सा, बनाया लिखिए कुछ मत, अभी सर्कल बनाइए और मैं जो आपको बता रहा हूं उतना पार्ट अभी पहले आप कीजिए. एक सर्कल जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले बनाइए एक दो और तीन, जी वन एस सॉरी एक ये भी, ये चार लाइन बना लीजिए. इसको लिखना है अपने को जी वन, बाहर लिखेंगे. इसको लिखना है सॉरी, इसको लिखना है एस, इसको लिखना है जी टू और इसको लिखना है कंप्लीट एम. तो पहले तो चार मेजर वो पार्ट बना दीजिए, जी वन एस जी टू और एम. उसके बाद में थोड़ा बड़ा बनेगा ताकि अंदर हमें लिखना भी है. अंडरस्टूड? बनाया बच्चों? No, sir, please, no, sir. लिखना नहीं है फिर, पहले सिर्फ सर्कल बनाओ बाकी मैं देखता हूं. नोटेड बच्चों?
अरे सर्कल ही नहीं बना अभी, सर्कल हो गया सर। हाँ बस, तो सर्कल बनाओ बच्चों। और मैंने आपसे क्या कहा, पहले मेजर मेजर जो मैंने सबसे पहले आपको बुलाया, जीवन मतलब केवल चार लाइंस आपको खींचनी थी, जीवन एस जी टू और एम। एम के अंदर के लाइंस मैं बनवाता हूँ बाद में, पहले बस मेजर मेजर बनाओ। वो भी कौन सा, जीवन एस जी टू और एम, बस ये चार बनाओ। बाकी अंदर का लिखना क्या है और इसके और कौन कौन सी लाइंस बनानी है वो मैं बाद में बताता हूँ। अंडरस्टूड? चलिए लेट अस स्टार्ट विद जीवन। जीवन को छोटा छोटा सा लिखना है आपको, क्योंकि उसमें सारे परसेंटेज भी लिखना है, उसमें स्टेटमेंट भी लिखना है। जीवन को आपको लिखना है 42%, 42%, 42% है बच्चों ने, टोटल सेल साइकिल का 42%, टोटल सेल साइकिल का 42% जीवन, टोटल सेल साइकिल का 33% एस फेज, टोटल सेल साइकिल का 21% जी टू फेज, और टोटल सेल साइकिल का 4% एम फेज। प्लीज नोट, जीवन कितना परसेंट, 42%, 42%, एस कितना परसेंट, 33%, 33%, जी टू कितना परसेंट, 21%, 21%, एम फेज कितना परसेंट, 4%, 4%। अब जो 4% एम फेज है उसमें सबसे बड़ा बनाना है प्रोफेज। देखो दिख भी रहा होगा, सबसे बड़ा बनाना है प्रोफेज, दिख रहा है क्या? यस सर। दैट मेक्स 2.1% ऑफ टोटल, दैट मेक्स 2.1% ऑफ टोटल, बट 52% ऑफ एम फेज, 2.1% ऑफ टोटल, पूरी सेल साइकिल का पूछो तो 2.1%, लेकिन अकेले एम फेज का ही पूछो तो 52% एम फेज का तो कौन बना दे रहा है, प्रोफेज। अंडरस्टूड? लिखा? लिखा बच्चों? यस सर। फिर प्रोफेज के बाद छोटा सा लिखा हुआ है मेटाफेज, दैट मेक्स 0.4% ऑफ टोटल, एनाफेज 0.3% ऑफ टोटल, टीलोफेज 1.3% ऑफ टोटल, और फिर एक और पार्ट उसमें बनाना है साइटोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होने वाला है, अरे कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होने वाला है, साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के बाद मैंने एक फेज बताई थी जी जीरो, याद आया? यस सर। यस, देख लीजिए पूरा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, ये होगी कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और फिर थोड़ा सा ग्रे शेडेड है जहां डिविजन नहीं हो रहा है उसको लिखा है जी जीरो, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। Noted? Yes, sir. और मैंने दो जुनैद दो चेक पॉइंट बताए, तो देखिए मैंने पेंसिल से वहां लिख रखे हैं, जी टू खत्म होने के बाद कौन सा चेक पॉइंट है, सी एम, इज इट? यस सर। और जीवन शुरू होने के पहले या जीवन के साथ वहां पर कौन सा लगा हुआ है, सी जी वन, राइट? यस सर। वो लिख लीजिए दोनों चेक पॉइंट, साइक्लिन यानी सीडी के, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, वो भी लिख लो, सीडी के जीवन होता है, साइक्लिन मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सीजी1, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सीजी1, और सीएम यानी माइटोटिक साइक्लिन। नोटेड? सर वो एम्फेस टोटल 4% है ना, टोटल 4% नहीं हो रहा है क्या, 4%, 4.1 हो रहा है सर। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट एन इशू, 2.1
2.1 or 2.4, 2.5, 2.8, 2.8 or 3.8, 3.8. ठीक है, 4.1 हो रहा है, कोई बात नहीं, 0.1 इधर उधर, कोई इशू नहीं इसमें. ओके यस, चाहे तो टीलोफेस को 1.2 कर दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं. एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं. अब मैं लिखा रहा हूं आपको G1. अब मैं लिखा रहा हूं G1. G1 की बातें लिख रहे हैं बच्चों पर, है ना. G1 को लिखा है पोस्ट माइटोटिक गैप फेज. कोई बताएगा व्हाट इज कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, और G1 को लिखा है प्री माइटोटिक गैप फेज. कोई बताएगा व्हाट इज सो कॉल्ड. सोचिए, लॉजिक लगाइए. सर, बिकॉज इट इज आफ्टर अ माइटोटिक फेज. कौन बोला, कौन बोला? चलो, जो भी बोला सही बोला. जीवन जो है वो माइटोसिस के बाद आ रही है, तो शीतल. और जीवन जो है माइटोसिस के पहले आ रही है, शीतल. तो एक को लिखो प्री माइटोटिक, एक को लिखो पोस्ट माइटोटिक. ओके, सर कैन यू रिपीट व्हाट यू टोल्ड. कोई बहुत भारी लॉजिक नहीं बताया. पोस्ट माइटोटिक और प्री माइटोटिक. पोस्ट माइटोटिक मतलब माइटोसिस के बाद, और प्री माइटोटिक मतलब माइटोटिक के पहले. अग्री? यस सर. अब जीवन में एक और लिखते हैं आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस. जीवन में लिखते हैं आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस. आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि मैंने कहा ना ग्रोथ में एंटर कर रहा है. ग्रोथ में एंटर कर रहा है तो सारी चीजें बनाएगा ना. प्रोटीन ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन. और क्या जरूरी है? एनर्जी, एटीपी, डीएनए, अमीनो एसिड, न्यूक्लियस ग्रोथ, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, सब यहां पर कर लेगा जीवन. पूरा जीवन लिख डालिए. अपना जीवन नहीं लिखना, साइकिल का जीवन लिखना है. अपना जीवन मत लिखने बैठ जाना. डॉक्टर, अरे समझे? यस सर. यस सर. आगे बढ़ते हैं. नोट कर लिया बच्चों जीवन? यस सर. यस सर. एस फेज. एस का नाम ही सिंथेसिस है. एस का नाम ही सिंथेसिस है, तो उसमें डीएनए सिंथेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसको होल्ड करने वाले हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे, न्यूक्लियस और ग्रोथ करेगा. प्लीज नोट, सिंथेसिस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन सिंथेसिस, न्यूक्लियर ग्रोथ, बस इतना भी लिख लिया तो भी काफी है. और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, ये सब अभी भावना मैडम आपको पैरेलल पढ़ाएंगी. मैं भी बताऊंगा आगे बढ़ने के पहले, तो मैं भी बताऊंगा, बट स्टिल भावना मैडम भी आपको. नोटेड बच्चों? अरे नोटेड. यस सर. यस सर. सेकंड. G2 की बात करते हैं. डेफिनेटली G2 सिंस इट इज प्रायर टू मेटाफेज, सॉरी प्रायर टू एम फेज, सो कॉल्ड एज प्री माइटोटिक फेज. आरएनए प्रोटीन इसमें भी हो रहा है, क्योंकि ये भी तो ग्रोथ ही है. बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स बन जा रहे हैं, प्रोटीन बन जा रहा है, सेंट्रियोल और डुप्लीकेट भी होता जा रहा है. प्लीज नोट. Noted? No.
यस सर। अब बच्चों देखो क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ये तो सब मतलब जी जीरो, ये तो सब मैं आपको बताता जाऊंगा। जहां जी जीरो लिखा है वहां पे आपने ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन लिख लिया क्या? यस सर। यस सर। तो अब बेसिक समझिए बच्चों, मुद्दे की बात ये है कि बहुत बढ़िया शीतल का एक सवाल आया, सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन। यूजुअली बहुत फाइन डिफरेंस होता है जो कंसीडर नहीं किया जाता शीतल मैडम, बट स्टिल डॉक्टर मैं आपको बता दूं, डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन फर्क है कि रेप्लिका मतलब उसकी कॉपी बन जाना और डुप्लीकेशन मतलब भी उसकी कॉपी बन जाना, बट डुप्लीकेट हो जाना मतलब वो एक ही में डबल हो जाना और रेप्लिकेट होकर मतलब उसका एक रेप्लिका तैयार हो जाना, मतलब मेरे एक से दो अलग अलग हो जाए इंडिविजुअल तो उसको मैंने कह दिया मेरा रेप्लिकेशन हो गया, और डुप्लीकेशन हो गया मतलब मैं कंटेंट वाइज डबल हूं। अंडरस्टूड शीतल? परफेक्ट। बट साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में ये रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन सेम कंसीडर होता है। ओके, तो मैं ये कह रहा था बच्चों आपसे, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं, इसको एनसीईआरटी से पढ़िएगा, सेल साइकिल क्या है, ईस्ट का कितना मिनट होता है, ह्यूमन सेल का कितना मिनट होता है, इंटरफेस को रेस्टिंग क्यों कहते हैं, रेस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर रहा ना कुछ, वो रेस्टिंग है, लेकिन नीट का एक सवाल पूछा जाएगा, यदि आप इसे रेस्टिंग कहते हैं, यदि आप इसे रेस्टिंग कहते हैं तो फिर इसे मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों कह रहे हैं, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव भाई, यही मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव है, ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर रही, ये डिवाइड कर रही, और ये डिवाइड नहीं कर रही, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, क्यों, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए बन रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए मेटाबॉलिकली। तो ये नीट का सवाल है, सिंपल सीधा सीधा नीट का सवाल है कि मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव कौन सी फेज है, तो दैट इज व्हाट, इंटरफेज। डिवीजन के रिस्पेक्ट में आप डिवीजन के रिस्पेक्ट में पूछे तो वो रेस्टिंग फेज, डिवीजन के रिस्पेक्ट में दैट इज रेस्टिंग, बट मेटाबॉलिज्म के केस में इट इज मोस्ट एक्टिव, और डिवीजन के केस में इट इज मोस्ट एक्टिव, मेटाबॉलिज्म के केस में रेस्टिंग। समझ में आए क्या पोजिशन? बच्चों समझे कि नहीं समझे? मेटाबॉलिकली एक्टिव और डिविजन वाइज रेस्टिंग, डिविजन वाइज एक्टिव और मेटाबॉलिकली रेस्टिंग, परफेक्ट। यस सर। अब मैंने आपको बच्चों जीवन लिखा दिया एस और जी टू, अब मैं इसके कैरेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है एस फेज, इसको बताऊंगा कि कैसे डीएनए डुप्लीकेट होता है क्रोमोसोम में, तो इसके लिए मैं पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताऊं, परफेक्ट। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर बताऊंगा उसके लिए मुझे थोड़ा सा सेल बायोलॉजी में वापस जाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ के रखिएगा, मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जिसपे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किस पर, एम फेज पर। अंडरस्टूड? यस सर। एनी डाउट इन टुडे सेशन? No sir. No sir. See you in the very next class. Be ready with the reading of NCERT. Right? Girish, Kanchan, Vedan, Suraj. Yes sir. All the best. Yes sir. Yes sir.